स्वागत है दोस्तों आपका हमारे ट्रिपल पीप्स चैनल में। आशा करता हूँ कि आपने हमारे पिछला पार्ट जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज ऊपर राइट कॉर्नर में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आपको बस एक छोटा सा रिकैप दिखा देते हैं हम। दिल्ली से हम लोग पहुंचे ऋषिकेश। ऋषिकेश से लगभग 250 किलोमीटर की जर्नी अराउंड 10 घंटे में हमने कंप्लीट की और हम लोग पहुंचे लोहाजाऊं। वहां हमने स्टे किया। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है लोहाजाऊं से। आप देख सकते हैं बच्चे परेड कर रहे हैं 15 अगस्त के अवसर पर। यहां से हम निकलेंगे अपने अगले पड़ाव के लिए। कुलिंग गाँव को क्रॉस करके हम लोग पहुँचे डिडना अराउंड 6 से 7 किलोमीटर का ये छोटा सा ट्रैक करके हम लोग दिदना विलेज पहुँचे। वहाँ हमने आराम किया और अगले ही सुबह हम निकल पड़े। दिदना से थोड़ी दूर 3 किलोमीटर पे ये आप व्यू देख सकते हैं जहाँ छोटे छोटे हट्स हैं जहाँ लोग रहते हैं। यहाँ से हम आबिन खारक की तरफ गए आली बुग्याल होते हुए। टोटल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और हमें टोटल 8 घंटे लगे पहुँचने में। ये हमारा आबिन खारक का स्टे था। ये स्टे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, बहुत कंफर्टेबल स्टे था। यहाँ पानी थोड़ी दूर से लाना पड़ता था जहाँ अगस्त के मौसम में नोमेड्स आराम करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह हम निकल पड़े। आप देख सकते हैं फॉगी सा वेदर है, एक तरफ है आली बुग्याल और दूसरी तरफ है बेदनी बुग्याल। रास्ते में एक और स्टे था पतार मचानी, जिसको हमने स्किप किया और डायरेक्ट भगवासा की तरफ निकल पड़े। ये टोटल किलोमीटर जो हमने ट्रैवल किया एक ही दिन में वो था अराउंड 13 किलोमीटर। सडन एल्टीट्यूड चेंज होने की वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। छोटे छोटे कदम और पानी के सिप लेके हम आगे बढ़ते रहे। कल्लुक विनायक टेम्पल के आगे हमने थोड़ा सा स्टे किया, फिर हम भगवासा की तरफ निकल गए। ये सामने जो आप देख रहे हैं भगवासा पे हमारा स्टे था। बहुत फॉग होने की वजह से हमें दृश्य तो अच्छा दिख नहीं रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना। सुबह का नज़ारा था जो बहुत ही प्यारा था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। ठंड बहुत थी इसलिए मेरे हाथ कांप रहे हैं, बट ये व्यू वॉज अमेजिंग। हम निकल रहे हैं आज रुकपुंड के लिए। आप देख सकते हैं पीछे नज़ारा कितना बढ़िया है, इसको अलग से वीडियो में भी दिखा देंगे आपको। और उस तरफ जाना है हमें, 2 घंटे लगेंगे। लेट्स सी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये व्यू देख के दिल में बस एक ही बात आ रही थी, ए जाते हुए लम्बो ज़रा ठहरो ज़रा ठहरो। ये ब्रेथ ट्रेकिंग व्यू क्लाउड्स का मनमोहक है। तो दोस्तों अब हमारा सबसे डिफ़िकल्ट ट्रेल शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं बस ये लास्ट ट्रेल है सबसे डिफ़िकल्ट वाला, और अब हम रूपकुंड पहुंचने वाले हैं। ये छोटी सी खड़ी चढ़ाई चल के हमारी सांसें फूलने लगी। अब आप देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सोनू महाराज पहले ही पहुंच चुके हैं, और यहाँ से यह नज़ारा और भी प्यारा लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम आपको दिखाएं कि हम कहाँ से आए हैं, बट वो हम दिख नहीं रहे। लगता है पहाड़ों के पीछे है वो हमारा टेंट, दिख नहीं रहा। Thank you.
यहाँ तक आना बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र था, मगर एक बात बताता हूँ, अगर कोई काम मुश्किल नहीं है ना तो उसे पाने का मज़ा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड में सी लेवल से करीब 5000 मीटर ऊपर एक झील है जिसे द लेक ऑफ स्केलेटन्स कहा जाता है। इस लेक के अंदर डूबे आपको कई सौ इंसानों के स्केलेटन्स मिलेंगे और ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये कौन लोग हैं जो इसके अंदर मरे, कैसे मरे, कहां से आए। इस लेक को साल 1941 में डिस्कवर किया गया था एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा और कई थ्योरीज बताई जाती है इस लेक को लेकर। पहले सोचा था कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कोई जापानी सोल्जर का ग्रुप हो गए जो यहाँ पर आए और ठंड की वजह से मर गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा स्केलेटन्स और भी ज्यादा पुराने हैं। एक और थ्योरी कहती है कि यहाँ पर कोई रिचुअल सुसाइड हुआ होगा, लेकिन ये हड्डियां एक्चुअली में पूरी लेक में फैली हुई है, कोई एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो रखी। साल 2004 में यूरोपियन और इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम ने एक्चुअली में इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग करी और पता लगाया ये 850 AD की है। कुछ स्कल्स के पीछे एक्चुअली में क्रैक्स पाए गए जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है उन्हें मारा गया था पीछे से। तो इसको लेकर एक और थ्योरी बताई साइंटिस्ट ने कि हो सकता है एक बड़ा हेल स्टॉर्म आया हो, भयंकर ओले गिरे हो जिसकी वजह से लोगों को ये इंजरीज हो गई और वो सब मारे गए। लेकिन रिसेंटली एक और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी हुई यहाँ। हाल ही में जो स्टडीज करी गई उन्होंने पता लगाया कि एक्चुअली में दो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ लोग हैं जो जिनकी हड्डियाँ इस लेक के अंदर मौजूद हैं और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से इतने जेनेटिकली डाइवर्स हैं कि इनकी मौत के बीच में 1000 सालों का डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई एक बड़ा हेल स्टॉर्म आया हो और ये सब लोग वहीं मारे गए, यहाँ पर दो अलग घटनाएं हुई हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई हथियार नहीं पाया गया यहाँ पर, कोई ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया कि यहाँ पर कोई जंग हुई हो, कोई रिचुअल सुसाइड हुआ हो, कोई मर्डर हुआ हो या फिर कोई डिजीज आ गया हो। असली सच इन स्केलेटन्स को लेकर अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। पुल स्टेशन में भाई लोग जुनार गली होते हुए आ रहे हैं नीचे। जय गणेशाय नमः। रूपकुंड समिट करने के बाद हम घरौली पताल के लिए निकल गए जो कि 10 किलोमीटर दूर है रूपकुंड से। मैं तो थक गई भाई साहब। बीच रास्ते में हमने कुल्लू विनायक जी के मंदिर के दर्शन किए और यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव वासी एकत्रित हुए हैं जन्माष्टमी के अमृत महोत्सव में। एशिया का लार्जेस्ट मेडो जो कि बेदनी बुग्याल है, हम उसे क्रॉस करते हुए अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहे। फाइनली हम रात होने से पहले घरौली पताल पहुंच गए। यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से गवर्नमेंट ने टेंट बना रखे हैं, बट हम रात को इस टेंट में स्टे किया। तो
दोस्तों, आज हमारे सुबह का आखिरी दिन शुरू होता है गिरोली पतल से। अब हम यहाँ से जाएंगे लोहाजिंग के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा। मिलते हैं लोहाजिंग पर। रघु भाई, सोनू भाई, बताइए हम कहाँ से चले और कहाँ जा रहे हैं? आज सुबह मॉर्निंग हम लोग गैरी पाताल से नीचे अभी हम मुहान में पहुँच गए हैं और यहाँ से आगे 1 किलोमीटर आगे है, उसके बाद उसके बाद गाड़ी से हम सीधा लॉजिंग जाएंगे बेस के। अभी हम रणकाधार में हैं, यहाँ से सीधा हम जाएंगे स्टेशन लाडू देवता के मंदिर होते हुए स्टेशन सीधा अपना बेस कैंप लोहाजंग में, जहाँ हमारा फुल चिल होगा रात को। मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी ट्रैक करें हमने, लेकिन हैंड्स डाउन दिस वॉज द बेस्ट और सबसे मुश्किल भी था, चैलेंजिंग भी रहा, लेकिन इतने अच्छे गाइड हैं आप लोग, पूरे रास्ते हमारा साथ दिया और हमें लेके गए जहाँ जहाँ हम नहीं जा पा रहे थे, हमें बाइक पकड़ा, हमारा हाथ पकड़ के ले गए, इसके लिए बहुत अच्छा लगा हमें। और काफ़ी चीज़ें भी बताई हमें, इसके बारे में पता नहीं था, काफ़ी जगह हम रास्ते भूल जाते थे, आप लोग हमें बताते थे, ये बहुत अच्छा लगा हमें। रास्ते में आपको क्या क्या दिक्कतें आई ये बताओ? दिक्कतें तो हमें खाने से लेकर, घूमने से लेकर, चलने से लेकर, या एवरीथिंग? दिक्कतों में ज़्यादा दिक्कत तो सबसे मुश्किल रहा वही रूपकुंड का ऊपर का लास्ट का 1.5 किलोमीटर था, सबसे वो मुश्किल था। और तो बाकी कोई दिक्कत नहीं रही, नॉर्मल था सब, खाना वाना भी बहुत ही टेस्टी, कोई दिक्कत नहीं रहा, हेल्दी खाना था एकदम, डाइट ये बहुत ज़रूरी है ट्रैकिंग के दौरान। तो सो यहाँ देख सकते हैं कि मृदुल ने बहुत कोशिश की कि हम सिनेमैटिक व्यू दें, बट जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा स्टेबिलिटी नहीं है, बट ये हम पहुँच गए लाडू देवता जी के मंदिर। ये मंदिर का द्वार है, यहाँ से हम एंटर करेंगे। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो अपने शहर कौन आया यार, ट्रिप पर पीप्स है हम यार। So, अभी हम लोग अभी लाटू देवता मंदिर में, ठीक है, हर मंदिर की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, जैसे लाटू धाम है, इसकी क्या मान्यता है कि बोलते हैं कि लोग यहाँ पे इसके अंदर एक मणि है और जो इसका पुजारी रहता लाटू मंदिर का पुजारी, ठीक है, वो आंखों पर पट्टी लगा के जाता है अंदर, बोलते हैं कि मानते भी बहुत सारे लोग कि अगर वो पट्टी खोलेगा तो उसकी आँखें बंद हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी। तो आज तक बहुत सालों से ये प्रथा चली आ रही है कि आंखों पर पट्टी लगा के ही अंदर जाता है, इसके दर्शन नहीं करते, और अच्छा मंदिर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। वैसाख पूर्णिमा के दिन इसका कपाट खुलते हैं 6 महीने के लिए, तो उस दिन काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मंत्री आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और मेला लगता है बहुत ज़बरदस्त। जय लाडू धाम, जय लाडू धाम। मणि सुनते चला क्यों गया उधर? ये वृक्ष जो आप देख रहे हैं बहुत ही पुराना वृक्ष है, यही मंदिर है, इसके अंदर ही मंदिर है, इसकी लताएं जो हैं बहुत फैली हुई है, इसलिए यहाँ लाटू देवता मंदिर कहा जाता है बेसिकली। फाइनली हमारा रुकू ट्रैक ख़त्म होता है, हम अपने बेस कैंप लोहाजंग में वापस आ गए हैं, यहाँ से वापस हम ऋषिकेश जाएंगे 10 घंटे का सफ़र करके अगले दिन, वहाँ से दिल्ली घर, बाय। बरसात के कारण हम लोग निकल नहीं पाए, तो हम लोहाजंग को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, फिर हमने बालकों के साथ वॉलीबॉल खेला। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।